ये पीपल के पत्ते और आम के पत्ते, ये केले के पत्ते। और आज हमारे घर में ना त्योहार जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी युच प्यारो उत्तराखंड, यक्ष प्यारा पहाड़, मिचो उत्तराखंडी पहाड़न मेरी पचार। सबसे पहले सभी दगड़ होते हैं मेरो प्यार वरु प्रणाम। मैं पूजा भंडारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा नारायण ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत, एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। तो करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। और ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और मैं नहा गई, कपड़े वपड़े धो दिए। आज से घर में शिवार्चन स्टार्ट है, शिवार्चन की शुरुआत है। इसलिए हमारे परिवार में सब लोगों का व्रत है, फास्ट रखा हुआ है हम सब लोगों ने। तो अभी मिस्टर जी लोग जा रहे हैं केले के पत्ते लेने के लिए। और केले के पत्तों का पूजा में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो क्या यूज़ होता है वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बाकी उसके बाद वो लोग जाएंगे बेलपत्री लेने के लिए, तो तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। कट गए हैं केले के पत्ते, ये ले आए हैं हम, देखिए। और अब चलते हैं घर की ओर। अब हम जा रहे हैं बेलपत्री लेने। तो ये देखिए सामने बेलपत्री का पेड़ है, अंकल जी लोगों का मांगते हैं उनसे बेलपत्री। तो चलिए निकालेंगे बेलपत्री के पत्ते। तो ये देखिए ये बेलपत्री के लिए हो रही है हमारी मेहनत। और ये आ गया बेलपत्री। अभी मैं आ गई हूँ नीचे, देखते हैं यहाँ पे पूजा की क्या क्या तैयारियाँ हुई। यहाँ पे आर के हैं ये पीपल के पत्ते और आम के पत्ते, ये केले के पत्ते। और ये आर के हैं फूल ओके। और ये वाले हैं जामुन के पत्ते, ये। तो इनका क्या क्या यूज होगा वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और यहाँ पे दादाजी लगे हुए हैं अपने काम पे, पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। बाकी अभी मैं आ गई हूँ ऊपर मक्खन और शहद लेने के लिए। और आज हमारे घर में ना त्योहार जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी नीचे पे पूजा की तैयारियाँ चल रही है। मंदिर में पूजा की तैयारियाँ हो गई है। और यहाँ पे हमारे पूजा के लिए पकवान भी बन गए हैं। ये है रूट, इधर बन रहा है प्रसाद। और यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ भी कंटिन्यू है। जो केले के पत्ते आए थे उनका यहाँ पे ऐसे यूज होगा। इसमें इस डब्बे में मिट्टी भर रखी है, और मिट्टी के साथ एक केले का पत्ता, एक आम की टहनी, बाकी उस पे बांध दिया है दादाजी ने नाल का धागा। अब इनको ऐसे यहाँ मंदिर के चारों ओर रख दिया है। अब जो ये रंगोली बन रखी है इसके ऊपर से शिवलिंग रखेंगे। अभी हम लोग आ रहे हैं थोड़ा नीचे दुकान पे, मंदिर के ऊपर से जो कलश चढ़ाया जाता है उसके लिए आ रहे हैं मंदिर दुकान में। तो देखते हैं यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता है। ये वाला क्लच लेना था हमको, तो ये मिल गया है। ये हमें तीन चाहिए थे लेकिन हमें यहाँ पे एक ही मिला, तो अभी इसी को ले जा लेते हैं। यहाँ पे ससुर जी लेके आ रहे हैं ये चावल और आटा, इसे आमना कहते हैं। और इस कटोरी वाली परात में रखा हुआ है घी, दूध, दही, तिल, जौ, शहद, चंदन। यहाँ पे आगे हैं गणपत महाराज जी भी, और उनको वस्त्र के साथ साथ नाल का धागा भी पहनाया जा रहा है। अब इनको यहाँ पे रखेंगे पितरों के आगे से। जो मिट्टी हम लोग कल लाए थे अब उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। अब दादाजी उसको ऐसे आटे की तरह गोंद रहे हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है इससे।
अब दादाजी इस लाल पिठाई से इस तांबे की परात में कुछ बना रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ रखेंगे। तो उस वाली मिट्टी से दादाजी ने यहाँ पे शिवलिंग बना दिए हैं, शिवलिंग बना रहे हैं। अब इनको इस तांबे वाली परात पे रखेंगे जहाँ पे लाल पिठाई से कुछ बना रखा था उसके ऊपर से। अंदर पे पूजा चल रही है और हम दोनों बाहर पे बैठ रखे हैं, बोर हो रहे हैं। हम दोनों बोर हो रहा था तो आज हमारा व्रत है इसलिए भूख लग गई, तो बादाम चपा रहे हम बादाम। तो यहाँ पे बन गए हैं 11 शिवलिंग। जो शिवलिंग बन रखे थे तो उनको भी यहाँ पे रुद्राक्ष की माला पहना दी है। तो अब यहाँ पे कलश रखने की तैयारी हो रही है। तो ये बन गया है कलश रखने का भी और कलश भी। अंदर पे तैयारियाँ चल रही हैं और हम चारों बाहर पे बैठे हुए हैं, गप मार रहे हैं हम। अभी दादाजी के बेटे भी आ गए हैं, चाचा जी जो प्रिंस के नामकरण में आए थे और वो भी आ गए हैं। अभी मैं आ रही थी ऊपर ये लेने के लिए, बाकी इसको लेके चलती हूँ मैं नीचे, फिर उसके बाद पूजा प्रारंभ होने वाली है। सब लोग इधर पूजा में बैठे हुए हैं और आदि का इधर कुछ अलग ही चल रहा है। मिस्टर जी भी आ गए हैं तो मैं उनके लिए अभी चाय बना रही हूँ, फिर नीचे पूजा शुरू हो गई है तो नीचे से हमें आवाज़ लगा रहे हैं कि नीचे आओ, पहले मैं इनको चाय बना देती हूँ, उनका भी व्रत है। चल आज कितना तारीख है? 4 तो ये जाएगा हमारा पूजा में। अच्छा यू यू सब
बाय।